पार्टी दे आम आदमी पार्टी दे पंजाब दे कार्यकारी प्रधान MLA प्रिंसीपल बुधराम जी, मेरे खब्बे पासे मेरे कैबिनेट दे कोलीग हरभजन सिंह ETO जी और खब्बे पासे सरदार चेतन सिंह जोड़े माजरा जी, आज एक कैबिनेट दी मीटिंग मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हुई। बड़े अहम फैसले पंजाब पक्षी लै गए। सब तो पहला वड्डा एक फैसला होया कि आज पंजाब दा नवा एडवोकेट जनरल लाया गया। पुराने एडवोकेट जनरल विनोद कई जी वालों इस्तीफा दिता गया सीगा और उस तो बाद नवा एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह जी को तैनात किया गया। अज उन्हें तैनाती जी साड़ी कैबिनेट वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई लिया गया। इस तरह इंडस्ट्री अपना माल विभाग वालों जी स्टैंप ड्यूटी के उत्ते सोशल सिक्योरिटी की छोड़ दी गई 3% उन्होंने भी जोड़ा 31-12 तक वह भी वाधा वो ऑलरेडी चल रही है, प्रवानगी दी गई है। इस तरह कुछ कैदियों की रिहाई जी कि काफ़ी लंबे अरसे तो पेंडिंग पई सी, उन्हां कैदियों की रिहाई के हुक्म जड़े जारी किए गए हैं। गे इस तो बिना एक अहम फैसला सीगा कि पिछले समय GST के अंदर बहुत सारिया सोधा सेंटर सरकार वालों की गई, GST कौंसल वालों की गई, उन्हां सारिया सोधा स्टेट दे प्रवानगी देनी होंगी है, स्टेट ने भी करना होंगे गा। सारिया सोधा जिहड़ियां अज असी पंजाब च उन्होंने प्रवानगी दी गई है कि जिहड़ियां गेम्स ने गियां जां हाउस रेसिंग बहुत सारिया जिहड़ियां गेम्स ने गियां उन्होंने GST की प्रवानगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी सीगी, इह ते जिहड़ी आ अज प्रवानगी दी गई है। इसदे नाल ही SYL नूं लैके चर्चा हुई, क्योंकि हाले तक मानयोग सुप्रीम कोर्ट का मानयोग साड़ी सर्वोच्च अदालत का फैसले की कापी जी अवेलेबल नहीं हैगी, वो प्राप्त नहीं हुई हैगी। पर लेकिन सरकार वालों स्पष्ट करते हैं, साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, सारी समुची कैबिनेट ने, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया गा, प्रधान जी साढ़े बैठे ने गे कि एक भी बूंद सिंगल बूंद पंजाब को वादू पानी नहीं हैगा। जब साढ़े को पानी ही है नहीं तो असी पानी किसनों देवे, तो देने की गल तो बहुत दूर दी आ, हजे तो पंजाब को एक बूंद भी पानी साढ़े को वादू नहीं हैगा। सो बिल्कुल एक भी बूंद जी तो किसी भी सूबे सरकार नहीं देगी, ये सिद्धांतक तौर पर फैसला होया गया। और इस तो बाद जो फैसले की कापी प्राप्त होगी, जो तो सर्वोच्च अदालत का फैसला जोड़ा वो कापी मिल जूगी, और उस तो बाद बिल्कुल जोड़ा भी लीगल रुख अख्तियार करना होगा, जो भी चाहे विधानसभा सैशन बुला पवे, जो भी काम करना पेगा, सरकार बिल्कुल पंजाब के पानिया के नाल, पंजाब के एक बूंद बूंद के नाल सरकार डट के खड़ी आ, पार्टी डट के खड़ी है पंजाब। और इस तो बिना क्योंकि पंजाब का मानसून सैशन पेंडिंग पिया सीगा, आने वाले दिनों दे विच मानसून सैशन बुलावांगे जिहदे विच पंजाब दे जिन्ने भी मसले पेंडिंग पए ने उन्हां सारे मामलों ते गल करांगे, क्योंकि स्पीकर साहब अजे आउट ऑफ कंट्री ने गे, जिस दिन भी मानयोग स्पीकर साहब आ जाते हैं तुरंत जिहड़ी आ डेट उस दिन उहदी असीं अनाउंस कर देंगे। विदन मैं समझदा कपल ऑफ डेज जिहड़ा हैगा वह पंजाब विधानसभा का सैशन होगा। टाइम अजे दस रहा कि स्पीकर साहब जो बाहर गए हैं, प्लीज़ बिल कंप्लीट कर लें दो, प्लीज लैट मी कंप्लीट। अजे तो सिर्फ मैं तुम्हें साड़ी कैबिनेट ब्रीफ की आ, जिहड़ा अहम मुद्दा अज दा गा कि देश दे अंदर भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज करदिआं लगभग 9 साल तो उपर का समा बतीत हो चुकिआ।
देश के प्रधानमंत्री पिछले लगभग 9.25 साल तो देश के प्रधानमंत्री वजों काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर काम कर रही है। पिछले 9.25 साल तो उपर का समा हो गया। 8 साल तक सारिया एजेंसियां ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी कार्रवाई करते सीगे जा जिथे कितने कार्रवाई होनी चाहिए सी करते सीगे। 8 सालों तो बाद अचानक चाहे CBI आ चाहे ED आ वो लगातार जिन्हिया भी अपोजिशन दिया पार्टियां ने देश के अंदर जेड़े भी तिखा विरोध भारतीय जनता पार्टी का करते रहे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां का करते रहे भाजपा दीतियां का करते रहे सरकार दीतियां करते रहे सरकार दमनकारी नीतियां का करते रहे उन्होंने चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। कले कले निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि जेडे हुणी थोड़ा समा पहला सर्वे होए नेगे या पार्टियां दे इंटरनल सर्वे होए नेगे या जेड़ियां तुहाडे चैनलों के राही सर्वे होए नेगे उन्हां सारे सर्वेयां ने यह सिद्ध कर दिता कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार डिगदा जा रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी हार वल वधदी नजर आ रही है। लगातार हार जिहड़ी आ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦਾ CBI ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਹੋਰ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਤੀ। ਲਗਭਗ पिछले 1.5 साल तो दिल्ली शराब घोटाले की जांच एक फर्जी एक झूठा एक जाली फर्जी घोटाला बना के कि जी ये घोटाला होयागा शराब का उसकी जांच लगभग 1.5 साल तो दिल्ली दियां बड़ियां देश दियां बड़ियां एजेंसियां 1.5 साल तो जांच करन च लगियां ने। 1000 तो वध जड़े देंगे वो छापे वो रेड्स डिफरेंट लीडर के उत्ते बहुत सारे कंट्रैक्टर के उत्ते बहुत सारे मैन्युफैक्चर के उत्ते बहुत सारे टेलर के उपर देश के अंदर ED ने किए ने CBI ने किए ने। टाइम देख के समा देख के पहला उन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और उस तो बाद मनीष सिसोदिया जी ने गिरफ्तार किया। कल जो देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर बहस किस चीज़ ले बेल एप्लीकेशन दे ली लगभग 2.5-3 घंटे बहस कल देश की पार्लीमेंट देश की सॉरी सर्वोच्च अदालत दे विच हुई। बहस आज भी कंटिन्यू आ आज भी फोर लंच जी बहस जारी आ कि बेल कितना पॉइंट्स के उत्ते दिती जानी है या नहीं दिती जानी ये डिसाइड जिहड़ा सर्वोच्च अदालत ने करना गा। तो उस समय पार्टी के साडे कद्दावर नेता जिन्हां ने देश की पार्लीमेंट के अंदर भी देश की पार्लीमेंट के बाहर भी एक बुलंद आवाज़ के अंदर एक जोरदार तरीके दे नाल इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोगों के मुद्दों की आवाज़ उठाई गरीब गुरबे की आवाज़ उठाई और लुट खसुट के खिलाफ बोलिया अडानी अवानिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और सारे जानते हो कि राज्यसभा के अंदर जेकर कोई बुलंद आवाज़ के अंदर देश के प्रधानमंत्री साहब नूं घेरदा सी कौन आ उह संजय सिंह सी। जेकर किसानी अंदोलन दौरान देश के प्रधानमंत्री नूं किसी ने घेरिया तो कौन सीगे उह संजय सिंह जी ते साडे मानयोग पंजाब दे मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह क्योंकि उस समय वह मैंबर पार्लीमेंट सीगे घेरिया सीगा। सो मेरा कहण दा भाव आ कि देश दे अंदर सब तो वध ताकत दे नाल आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ उह BJP दी दमनकारी नीतियां दा लगातार विरोध करदी जा रही है।
पर लेकिन अफसोस बगैर किसी एविडेंस दे बगैर किसी तत्थां दे कल सीबीआई ने लगभग 8 घंटे की लगातार पूछगिछ तो बाद उन्होंने गिरफ्तार किया। सब तो पहला तो मैं इस गिरफ्तारी का विरोध कर दिया सी साडा समुची कैबिनेट समुचे साडे साथी इहनू असीं कंडैम करदे हां इहदी असीं निंदा करदे हां कि लोकतंत्र दे अंदर पोलिटिकल लोकां दी जां आम आदमी पार्टी की आवाज़ भी तुसीं ईडी दे राहीं दबा नहीं सकते ईडी का दुरुपयोग करके तुसीं सत्ता हासिल नहीं कर सकते। देश दे लोकां ने बिल्कुल साफ ते स्पष्ट मन बना लिया कि देश दे अंदरों बीजेपी का सफाया होना गा। यही कारण आ कि अज बीजेपी जिहड़ी आ होछे घटिया षडयंत्र के तहत एक कंसपरेसी के तहत ईडी नूं वरत के आपोजिशन का मूँह बंद करन दा यतन कर रही आ। जिन्ने तुसी मेरा ईडी नूं खुला चैलेंज आ जिन्ने तुसी मनीष सिसोदिया फड़िया उस बाद हज़ारा ही मनीष सिसोदिया देश के अंदर पैदा होए। अज तुसी संजय सिंह नूं फड़िया गया हज़ारा ही संजय सिंह देश के अंदर पैदा होणगे। सच्चा जे आपां पोलिटिकल हिस्टरी जिहड़ी आ देखदे आ जदों भी कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाउंदी आ पुराने समय दे विच कांग्रेस पार्टी ने एमरजेंसी लाई सी और देश ने सब कुछ सिखाया सी कांग्रेस पार्टी नूं उस तरीके की एमरजेंसी अणऐलानी एमरजेंसी जिहड़ी अज देश दे अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लाई आ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार खात्मे वल जा रही आ। अज भारतीय जनता पार्टी वेंटीलेटर ते पई नज़र आउंदी आ जिहड़ी कि आखिरी साहां ते आ। वैसे तो हिंदुस्तान की भारत की इंडिया की हिस्टरी आ कि दो बार तो बाद अज तक प्रधानमंत्री नहीं बनिया पर मैं तुहाडे जरिए देश के प्रधानमंत्री साहब दसना चाहते हैं कि जिस तरह पुराने समय च जिन्होंने भी देश के लोगों पर हमला किया जिन्होंने भी आपोजिशन नुशाना बनाया जिन्होंने लोकतंत्र के राही लोगों की आवाज़ बुलंद किया जिन्होंने आपोजिशन के लीडर की आवाज़ बुलंद किया लोगों ने उन्होंने जमानत जब्त कराई है तो आने वाले समय च भारतीय जनता पार्टी के लीडर की जी जमानत देश के अंदर देश के लोग जब्त कराएंगे क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती आ लोकतंत्र की खूबसूरती आ कि एक सरकार होंगी एक आपोजिशन होंगी है सरकार लोगों के काम करती है जिहड़ी भी चुनी हुई सरकार लोग चुनते हैं गे पर जेकर सरकार कोई गलत काम करती है तो उदो आपोजिशन विरोध करती है आपोजिशन अपना अपने ढंग अपना प्रोटेस्ट करती है पर कदे भी ये नहीं होया कि आपोजिशन की आवाज़ नूं गलत ते गलत तत्थां दे राहीं दबाया जाए। जिहड़ी जांच एजेंसियां 1.5-1.5 साल तक जांच कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं इहदा मतलब की आ कि चुन के रखिया पहला इहनूं फड़ लो फिर बी नूं फड़ लो फिर सी नूं फड़ लो कोई भी सिंगल पैसे का घोटाला दिल्ली च नहीं होया। जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी बनी सीगी उस पॉलिसी दे राहीं मैं अज क्योंकि आर्गूमेंट सुन रहा सीगा देश दी सर्वोच्च अदालत दे विच जदों आर्गूमेंट हो रहा सी मैं खुद सुन रहा सीगा लाइव चल रहा सीगा तो उतों स्पष्ट आ रहा सीगा कि लॉस नहीं होया जे लॉस नहीं होया तो घोटाला किदां हो गया। सो मेरा कहने का भाव अज उस शराब घोटाले के राहीं उस फर्जी शराब घोटाले के राही जिहड़ा हैगा वह आम आदमी पार्टी के नेतावां की जिहड़ी आवाज़ बुलंद करन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ईडी के राही कर रही है सीबीआई के राही कर रही है बिल्कुल असी इहदी घोर निंदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अज एक प्रोटेस्ट का प्लान किया गा साडे प्रधान जी साडे समुचे साथी जिहड़े ने गे हुणी असी मैं तुहानू भी इनवाइट करदा सारे मीडिया नूं मेरी बेनती आ कि 2 बजे तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा असी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अगे जाके भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीतियां का विरोध जिहड़ा दर्ज करवाउणा गा बिल्कुल प्रोमिनम असी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अज देश के अंदर एक अणऐलानी
एमरजेंसी जी बीजेपी ने ला दी आ। सो आम आदमी पार्टी पंजाब साड़ी इकाई जी साडे मानयोग प्रधान जी कार्यकारी प्रधान जी बैठे ने गे असी बिल्कुल यदा पुरअमन जिहड़ा असी विरोध करते हैं इस गिरफ्तारी की असी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। मैं प्रधान जी को कहूँगा कि बिल्कुल अगले इशू बारे गौरयोग साथियों सारी गल साढ़े वित्त मंत्री सरदार सतपाल सिंह चीमा जी ने दस दी है कि किमें 15 महीनों तो भाजपा की सारी सरकार जी है अपनी एजेंसियों राही आम आदमी पार्टी के साढ़े टॉप के लीडर के घर के छाण रही ने। संजय सिंह के घर गए कल और ड्रैंग रूम उदा रसोई सारे कमरे स्टोर सारा कुछ छाण मारिया एक भी चवन्नी भी वो नजायज़ वो लभ नहीं सके। इस तो पहला मनीष सोधिया जी उस तो पहला सतेंद्र जैन जी साढ़े इन्ह नेतावान के जिन्ह घर इन्होंने ईडी ने छापे मारे कोई भी किसी किस्म का अलीगल उस डाकूमेंट ज अलीगल कोई पैसा उतो लभ नहीं सके तो सिद्ध होंगे कि पूरा डिस्परेट हो चुकी है पूरा निराशा हो चुका है मोदी और उन्होंने अपनी निराशा के इस जरिए राही अपनी निराशा दूर करना चाहता है परंतु जो देश के लोग ने सब कुछ देख रहे हैं और साढ़े नेता जोड़े है ने, बिल्कुल चटाण वर्गे ने इन्होंने वो भोर नहीं सकते। हर मिट्टी की अपनी खसलत हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरती हर फटन मत्था नहीं चुकता बन लाया कि छल नहीं लुकती ये जिन्हें मर्जी बन ला लेना आम आदमी पार्टी की छल देश में बढ़ रही है लगातार बढ़ रही है वो कित रोक नहीं सकते जिन्ना मर्जी जोर ला लाउण अज देश की पार्लीमेंट के दे देश के बख बख थावान के उत्ते साढ़े बहुत ही बेबाकी बोलने वाले सा नेता संजय सिंह जिस तरह ने इन्होंने मतलब अंदर किया किसी भी किस्म का दोष नहीं सुन किसी भी किस्म का दोष ना मनीष सोधिया से सगा तो ना ही साढ़े सतेंद्र जैन से सगा और इतों तक कि TMC के एक सांसद के नाल भी दुर्व्यवहार किया इतों तक एक जर्नलिस्ट से साढ़े उन्होंने भी दुर्व्यवहार कर लग पे। जिस तरह की निराशा मोदी दे इन्होंने अपने फैल रही है हैरान हो रहे हैं देश के लोग प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और सारे नालों वड्डी गल कि अपने साथियों अमीर बनाने वास्ते जिहड़ा काम कर रहा सी सिर्फ संजय सिंह का एक कसूर सी कि उन्होंने खिलाफ़ बोल रहा सी उन्होंने। सो आप सारे अज असी सारे आम आदमी पार्टी वालों सारे देश भर के जिथे इस रोस के खिलाफ धरने मार रहे हैं उत्थे साडे साथियों नूं असीं दसना चाहुंदे हां कि उन्होंने बिल्कुल डर नहीं किया कोई अपनी माता के चरण छू के वो जेल गए ने क्योंकि वो कोई डर नहीं देश भगत ने कट्टड़ वो बिल्कुल नहीं घबराने वाले ना ही पहला मनीष जी घबराए ना ही साढ़े मनीष सोधिया जी घबराए तो ना ही ये घबराएंगे। साड़ी होर भी लंबी लाइन है जिन्हें मर्जी तुसी अंदर कर लो पर देश दे विच सच दी जिहड़ी आवाज़ है एक कट्टड़ ईमानदार पार्टी है सिर्फ तो सिर्फ केंद्र सरकार नूं यही चुभदी है कि ईमानदारी यही सरकार जिहड़ी पार्टी है ये ईमानदार है बस ये सारों नालों वड्डा उहदे उहनां दे जख्मां ते साढ़े एक नमक लगने वाली गल है। सो असी सारे अज इस गल का विरोध करते हैं सख्त संकेत करते हैं तो हुण जाके असी जो 37 विच प्रोटेस्ट करना है तो एक बार चीमा साहब ने भी कहता मैं ही बेनती करना कि सारे जो पत्रकार ने उत्थे जाके साडा प्रोटेस्ट रिकवर करना। धन्यवाद जी। देखो विनोद कई जी ने अपना अच्छे ढंग दे नाल जिन्ना भी उन्हां दा अपना कार्यकाल सीगा उन्होंने पूरा किया बड़े अपने अहुदे दे उत्ते उन्होंने काम किया गा ये जिहड़ा उन्होंने इस्तीफा दिता ये उन्होंने अपने परसनल रीजन के कारण दिता गा अपने परसनल कोई उन्होंने कारण रहे होणगे उन्हां करके इस्तीफा दिता गा। सर तुसीं गल कीती कि विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा नाल ही जरूरत पई तां इस वजह नूं लैके ही सत्र बुलाया जा सकदा पहला विशेष सत्र होएगा जां